दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया। इसके पहले वाले वीडियो में हम ये जाने कि हमें टाइटल, जिस विषय पर आपको रिसर्च करना है उसका टाइटल कैसे प्राप्त करते हैं, और विशेषकर हमने जो है जो रिसर्च प्रॉब्लम है, शोध समस्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसकी रचना कैसे करते हैं। इसके बाद वाला स्टेप जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रिसर्च कर रहा हो, चाहे वो एमफिल, पीएचडी या मास्टर डिग्री में आप डिजर्टेशन लिख रहे हैं, या फिर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेना चाहता है और रिसर्च को ही अपना करियर को जो है करियर के रूप में चुनना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसी लेक्चर के माध्यम से ही हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो यूजीसी नेट से संबंधित या सेट है या गेट है या टेट है, तो हम इसी के आधार पर जो है इसको समझने की भी कोशिश करेंगी। आइए जानते हैं आज का जो टॉपिक है, बेस्ट रिसर्च के तरीके क्या क्या हो सकता है। हम इस स्टेप टू में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप रिसर्च करना प्रारंभ कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि पीएचडी के लिए यानी कि रिसर्च के लिए या एमफिल में यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो है एक नोटबुक रखना बहुत जरूरी है। नोटबुक, ये नोटबुक जो है केवल इसी से संबंधित होगा, ठीक है। इसमें अन्य कोई चीजें नहीं लिखा जाना है, केवल अपने को रिसर्च से संबंधित ये नोट्सबुक आपको हमेशा रखना पड़ेगा और इसी में ही आपको नोट करना है। तो हम नोट क्या करें, इस बात को हम जो है ध्यान रखें। देखिए, कोई भी रिसर्च करने के करते हैं तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है फुटनोट और रेफरेंस की, और जितना फुटनोट और रेफरेंसेस होंगे उतने आपके रिसर्च की वैल्यू रहेगा। और जिस रिसर्च में या जिस किताब में फुटनोट नहीं है तो वो विश्वसनीय नहीं माना जाता, उसका वैधता है ही नहीं। यानी कि मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ता जिसमें फुटनोट और रेफरेंसेस नहीं होता है। अब ये फुटनोट और रेफरेंसेस क्यों लिखा जाता है? फुटनोट और रेफरेंसेस इसलिए लिखा जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी विचार नहीं है, किसी अन्य की विचार है, उस विचार को उनको क्रेडिट देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये किताब लिया हुआ है, ये किताब को आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। इस किताब में आप देख सकते हैं ये फुटनोट दिया हुआ है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। ये आप जब एमएस वर्ड में टाइप करेंगे तो इस तरह से आपका जो है लकीर अपने आप आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिएगा, ये 13 नंबर और 14 नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये 13 नंबर और 14 नंबर जो है ये देश काचार की पूर्वोक्त तो पुस्तक से उद्धृत पृष्ठ क्रमांक 535, इसको बताएंगे ये क्या चीज है, ठीक है। ये देशी काचर किताब का नाम है। उसके पहले हमने जो है उसका विवरण दे चुका है, पहले कह रहा है, और उसका पृष्ठ क्रमांक 535 है। यदि मान लीजिए बार बार हम रिपीट करते हैं वही किताब को और केवल पेज बदल जाता है, तो यदि मान लीजिए उस किताब का कोई उद्धरण हम लेना चाहते हैं, फुटनोट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको फुटनोट देना पड़ेगा, इस व्यक्ति को क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने मेहनत किया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जितना ज्यादा फुटनोट होगा उतना ज्यादा विश्वसनीय माना जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि इन्होंने जो है उनको क्रेडिट दिया हुआ है, वहां से उन्होंने लिया हुआ है। याद रखिएगा, यदि मैं इसको पूरा का पूरा लेना चाहता हूं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस किताब में ये पब्लिश हुआ है उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिना क्रेडिट का जो है आप किसी चीज को लेना वो कॉपीराइट माना जाता है। और आज सबसे बड़ी दिक्कत जो रिसर्च कार्य में है वो कॉपी पेस्ट ज्यादा हो रहा है। और कॉपी पेस्ट की आवश्यकता ही क्यों है, कॉपी पेस्ट ही क्यों करें? हम जो है जो चीज को ले रहे हैं उसको क्रेडिट तो देना है, और क्रेडिट देने का तरीका भी आपको हम यहां पर सिखाएंगे, बताएंगे। और सबसे पहली बात तो दिमाग में रखिए कि जब भी किसी से किसी का कोई
मटेरियल है, उनका इंटेलेक्चुअल है, तो हम उसको जो है क्रेडिट देना है, इस बात को सुनिश्चित हो जाइए। ठीक है, पहली बात आपको जो है ध्यान रखने की बात है। अब दूसरी बात देखते हैं। देखिए, अब इसको जो है ये किताब मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए, ठीक है, लाइब्रेरी में आप गए और आपने जो है कुछ किताब जो है आपके हाथ में है, और हमने कहा था कि बिना नोटबुक का, ठीक है, बिना नोटबुक का हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही आपसे सब्जेक्ट से संबंधित कोई लाइब्रेरी में जाके एक बुक अपने हाथ में लेते हैं और इसको आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इसका आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो है नोटबुक में आप नोट कर लें, सबसे पहला नोट कर लें। क्या पहला नोट कर लें? ये ब्रज किशोर शर्मा का किताब है, पहले यहां पर लिख दीजिए ब्रज किशोर शर्मा, आप अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है, ब्रज किशोर शर्मा है ये, और पुस्तक का नाम क्या है? भारत का संविधान, यहां पर लिख दीजिएगा भारत का संविधान, इसी तरह से पहला बना लीजिएगा, ठीक है, ये आपके नोटबुक की बात कर रहा हूं। और कह रहा है एक परिचय, मान लीजिए इसको हम लोग जो है ये ब्रैकेट में दे दें, एक परिचय, ठीक है, और जिस पेज को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका एडिशन देख लीजिएगा, इसके नीचे में एडिशन होगा, ठीक है, उसका एडिशन होगा, एडिशन मान लीजिए ये बुक छपा हुआ है 2005 में, ऐसे लिखा रहता है, तो आप 2005, चूंकि एडिशन जो है चेंज होते रहता है, तो आप किस एडिशन के किताब आपने पढ़ा है, ताकि हम आपके रेफरेंस को देख सकते हैं। 2005 लिख दीजिएगा, इसको अभी ऐसे लिख दीजिएगा नोटबुक में, उसके बाद में हम लोग जो है बताएंगे इसको कैसे आपको फुटनोट में यूज करना है। और मान लीजिए आपने पेज नंबर जो है 7 को ले रहे हैं, तो आप यहां पर पीपी लिख दीजिए, पीपी और 7 लिख दीजिए, बस इतना कम से कम आपको जो है अपने नोटबुक में लिखना है, इसके बाद ही आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको जो भी पढ़ना है केवल पेज नंबर को आपको दिमाग में बिठाना है। जो भी आप मान लीजिए इस लाइन को पूरा उतारना चाहते हो, तो आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, पहले तो ब्रैकेट में कर दीजिए कि हमने जो है ए टू जेड उतारा है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि हमने ए टू जेड उतार दिया है, ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो समझ में आएगा कि अब इसको अपनी भाषा में बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो नोटबुक का सबसे पहला काम है कि जब भी कोई चीजें पढ़ें तो ये तो कई काम आ जाएगा, एक तो हम यदि मान लीजिए अपने रिसर्च में इसको लेना होगा तो हम उसको जो है फुटनोट दे देंगे, और मान लीजिए इसका यूज नहीं भी करेंगे तो हमने चूंकि इस किताब को पढ़ा है तो हम लोग जो है बिब्लियोग्राफी में यूज कर लेंगे, बिब्लियोग्राफी में, ठीक है, जिसको हम लोग जो है संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची, और यहां पर जो है ये अपना जो है यूज आ जाएगा, मतलब 2-3 काम आपका जो है सबसे ज्यादा उपयोग में आएगा, और यही ऑथेंटिक है दोस्तों। आइए और कुछ जानते हैं। चूंकि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है, ठीक है, कोई भी किताब, बुक पढ़ रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जर्नल पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई किसी सरकारी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, सब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपने ये सब्जेक्ट चुना हुआ है, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं पारिवारिक विघटन का बाल अपराध पर प्रभाव, यहां पर आपका जो चर है वो बुद्धि है, ये सामाजिक आर्थिक स्तर है और पारिवारिक विघटन है, ये आपका चर है, ठीक है, बुद्धि एक चर है, सामाजिक आर्थिक स्तर एक चर है, पारिवारिक विघटन एक चर है, तो ये आपका जो है 3-4 प्रकार की चर है, ठीक है। आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि दूसरे के रिसर्च को आपने पढ़ा, तो आपको जब दूसरे की किताब से या दूसरे के रिसर्च से जो परिणाम निकला है, चूंकि हमको एक आइडिया चाहिए, जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक हम जो है किस विषय पर कैसे करें ये समझ में आएगा ही नहीं। आपका सब्जेक्ट ये है, देखिए यहां पर जो है अहंजो ने स्वीडन के सुधार गृहों में 2448 अपराधी, देखिए यहां पर जो है कम से कम इतना अपने को डाटा निकालना है, ये अपने को आइडिया हो जाएगा कि कम से कम 1500-2000
कम से कम हमारे पास में जो है लोगों के डाटा आएगा, सैंपलिंग करेंगे तो कुछ निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, कुछ परिणाम पर पहुंचा जा सकता है, तभी हम कुछ सजेशन देंगे। तो सबसे पहली बात तो एक हमको आइडिया हो गया कि मान लीजिए इन्होंने जो है रिसर्च किया हुआ है, देखिए 2448 अपराधी लड़कियों का, अपराधी लड़कियों का बोल रहा है, पर्टिकुलर महिलाओं का लिया है उन्होंने जो है, पर्टिकुलर लड़कियों का, लड़कियों का सामाजिक आर्थिक स्तर से सर्वेक्षण करके परिणाम दिए। और हमारा टॉपिक क्या है, बुद्धि सामाजिक आर्थिक स्तर एवं पारिवारिक विघटन है, और इन्होंने केवल जो है सामाजिक आर्थिक स्तर से सर्वेक्षण किया हुआ है। इसका मतलब है हमको इस रिसर्च में ये आइडिया हो जाएगा कि क्यों ना हम जो है इसको सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है, ये बुद्धि को, सामाजिक आर्थिक स्तर को और पारिवारिक विघटन, यानी कि जो बाल अपराध हो रहे हैं उसका जो प्रभाव है, कहीं बुद्धि तो नहीं है, सामाजिक आर्थिक स्तर पारिवारिक विघटन तो नहीं है जिसके कारण से अपराध बढ़ रहे हैं, तो हम जो है सर्वेक्षण मेथड को जो है प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपको मेथड अपने आप मिल गया, हमने किसी दूसरे के थीसिस को पढ़ा, चूंकि इन्होंने भी सर्वेक्षण करके ये परिणाम निकाला है तो क्यों ना हम भी सर्वेक्षण करें, ठीक है, ये सर्वेक्षण मेथड हम लगा सकते हैं। और इन लड़कियों की उम्र 16 वर्ष से कम थी, तो हमको भी एक आइडिया हो जाएगा कि लड़के लड़कियों का जो उम्र होता है बाल अपराध जो होता है, एक तो 18 ईयर से कम होता है, 18 वर्ष से कम को हम लोग जो है बाल अपराधी मानते हैं जो अपराध किया हुआ है, लेकिन इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं दोस्तों 12 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों का, 14 से 16 साल तक के बच्चों का, और तीसरा हमको मिल जाएगा 16 साल से 18 वर्ष तक का, यानी कि आप तीन वर्ग मान सकते हैं। इन्होंने केवल 16 वर्ष से कम कर लिया हुआ है, तो हम आपको जो है देखेंगे यहां पर 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 उम्र के बच्चों का हमने जो है डाटा निकालेंगे, ये एक वर्ग बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। चूंकि इसको जो है यदि आप मान लीजिए समझदारी देखना चाहते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्होंने जो है केवल 16 वर्ष से कम कर लिया, हम यहां पर लेंगे पूरे, चूंकि बुद्धि 12 साल से 14 वर्ष तक के जो बच्चों का जो उम्र होता है उसकी जो बुद्धि क्षमता होती है, समझदारी होती है, उसको देखेंगे ना, क्या हकीकत में इसके बावजूद भी अपराध कर रहे हैं क्या, कितने बच्चे हैं 14 साल से 16 साल के बच्चे कितने हैं, 16 साल से 18 वर्ष के बच्चे कितने हैं, कौन कौन से अपराध कर रहे हैं, तो हम इसको जो है सर्वेक्षण करके देखेंगे। देखिए इन्होंने क्या पाया, 5% अनाथ बच्चे थे, 5%, यानी कि 2448 अपराधी में से 5%, लगभग 100-150 जो बच्चे थे वो अनाथ किस्म के थे, और ये जो है जिसके कारण से अनाथ होने के कारण, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो है सामाजिक आर्थिक स्तर के विघटन ही तो है ये। दूसरा चीज, 6% के पिता नहीं थे, ये लगभग अनाथ जैसा है। 11% ग्रामीण क्षेत्र के थे और 18% गरीब घर के थे। तो देखिए ये कारक तो नहीं है, ये मुख्य कारक है, यानी कि गरीबी होना, अनाथ होना, जिसके पिता न रहना, माता पिता के पास में समय न होना, ठीक है, ये जो है ये खाने पीने की व्यवस्था न होना, ठीक है, सामग्री उपलब्ध न होना, तो ये वजह प्रभाव का को जो है कारण हो सकता है। तो इसी प्रकार से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो हमको ये जानकारी प्राप्त होता है। देखिए दूसरे का आपको ऐसे उतारना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे उतार कर जो है यहां पर देखिए साइटेशन दिया हुआ है, फुटनोट दिया हुआ है, इस फुटनोट को आपको दे देना है। जैसे यहां पर फुटनोट दिया हुआ है फुटनोट, क्योंकि इनका वर्क है तो इसको हम लोग जो है फुटनोट के माध्यम से इसको क्रेडिट कर देंगे। दूसरा देखिए, ये बैगोट ने लिवरपूल में 2 नमूने लिए, लिवरपूल जगह का नाम है, लिए एक 1994 सन नहीं है बल्कि संख्या है सैंपलिंग करने का, 1934 लोगों का सैंपलिंग लिया जिसमें से 1263 लड़के थे और 95 लड़कियां थी। दूसरा 1936 का सैंपल लिया, दो पूल बनाया था, एक 1723 लड़के थे और 140 लड़कियां थी। इन दोनों सर्वेक्षणों के अध्ययन से, यहां पर देखिए यहां पर सर्वेक्षण मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम भी जो है अपने टॉपिक को जो है सर्वेक्षण मेथड पर लेंगे तो हमारे लिए भी जो है बेहतर परिणाम निकल सकता है। तो हमको जो है ये मेथड भी यहीं से पता चल जाता है। परिणाम प्राप्त हुआ कि आधे से अधिक बाल अपराधियों के घर का सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत ही न्यून स्तर का था, यानी कि न्यून स्तर एक आधार हो सकता है,
बाल अपराध की ओर मुड़ जाने का, यानी कि बाल अपराध जो बच्चे होते हैं वो उनके जो है सामाजिक आर्थिक स्तर का न्यून हो स्तर होना, ये इसका जो है वजह हो सकता है। इसी प्रकार से आपको जो है बनाते जाना है कम से कम 25 30 40 ऐसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो आपको जो है सोच में बदलाव आएगा, आपकी सोच में जो इस तरह के एक नए विचार आएगा जिसके कारण से आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा बताने का मतलब यही है कि आप प्रोसीजर को फॉलो करें। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उस नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं किन किन बातों को अपने को ध्यान रखना है। जितने चीजें हम आपको बता रहे हैं उतने चीजों का जरूर 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 फॉलो कीजिएगा, तभी जाकर आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, आप अच्छे पीएचडी कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पूरा एक एक ड्रॉप भी दिखाते रहेंगे ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।